हाय, मेरा नाम है यारो मददगार और मैं आ गया हूँ आपके साथ पहली एपिसोड लेकर जिसका नाम है वन वॉइस हम आवाज बकवास। एक सेकेंड। तो आज की एपिसोड में हमने सोचा कि हम एक ऐसी हैरानी की बातों पे बात करेंगे जिसको सुनकर शायद आप हैरान बिल्कुल भी ना हो। Once upon a time, बहुत टाइम पहले कुछ ऐसा हुआ कि हम सब लोगों को साथ रहना पड़ा एक साथ होकर। सचमुच में मुमकिन है ये इस सेंचुरी में भी। तो जब हम साथ थे हम बहुत खुश थे शुरू के दिनों में, पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए लोगों को लोगों के बारे में बहुत सी हैरान कुन बातें पता चलना शुरू हो गई। तो उनमें से ही कुछ हैरान कुन बातें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि कुछ अर्से के बाद बाप और बेटा ऑलमोस्ट एक जैसा लगना शुरू हो गया। सबसे पहली हैरान कुन बात कि खावन ने अपनी बीवी से ही पॉकेट मनी मांग ली, और उससे भी बड़ी हैरान कुन बात कि बीवी ने चुप करके दे दी। क्यों? क्योंकि बाप और बेटा एक जैसे दिख रहे थे, ना उन्होंने नहाया ना उन्होंने शेव की। जंगली जंगली सारा सारा खैर नेवर माइंड गोइंग टू आवर नेक्स्ट हैरान कुन बात। माँ बाप को पता चला कि ओह हमारे तो इतने बच्चे हैं। ओह माय गॉड। और बच्चों को पता चला कि हमारे माँ बाप ऐसे हैं। ओह माय गॉड। सबसे हैरान कुन बात, जब शॉपिंग मॉल बंद हुए तो बाप को इस बात की बहुत हैरानी हुई कि यार मेरी तो तनख्वाह बहुत सही है, फिर मैंने हर महीने गालां क्यों पहनियां नहीं। खैर नेवर माइंड। जो पढ़ते हैं वो शौक में हैं और जो नहीं पढ़ते वो मौज में हैं। क्योंकि सबने ही आगे चले जाना है, हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स वंस अपॉन अ टाइम बात, हैरान कुन वाली बात। जब ब्यूटी पार्लर बंद हुए तो आपने एक चीज जरूर नोट की होगी, खामिदों और लड़कों। ये मेरा सैनिटाइजर है बाय द वे, सॉरी अब भी फ्रेम में आ रहा है, तू रख। ओके, जब ब्यूटी पार्लर बंद हुए तो आप लोगों ने एक चीज जरूर नोट की होगी, खामिदों और लड़कों के मुंह पे चपेड़ों के निशान। क्योंकि बेटे ने गलती से अपनी माँ को बोल दिया, पापा हमें बाहर कब लेके जाओगे। शट अप। और जब बाप ने अपनी ही बीवी को बोल दिया, बड़े भाई आज आप मेरे साथ क्यों मेरे रूम में सोएंगे। खैर, और जब बॉयफ्रेंड ने अपनी बीवी को, सॉरी हम बॉयफ्रेंड ने अपनी बीवी को क्यों करना है फोन, बॉयफ्रेंड तो अपनी गर्लफ्रेंड को ही करेगा ना। बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, भाई साहब आपकी छोटी बहन से बात करनी है। सो इस तरह के बहुत सारे थप्पड़ पड़ते रहे उन दिनों में। खैर कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पर डालने के लिए एक फोटो, खंगाल खंगाल के फोन, बदल बदल के फोन, कोई ऐसा फिल्टर नहीं मिला कि हम कोई एक फोटो डाल सकें। क्यों? क्योंकि नाक कान मुंह हाथ हर जगह से बाल ही बाल निकल रहे थे। खैर, और जब हम लोगों को खोला गया आजाद किया गया तो हम ऐसे भागे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे भागे। खुल गया भाई लॉकडाउन, खुल गया भाई। मैंने एक मोटरसाइकिल पे 8 लोग और 6x6 की दुकान पर 15 लोगों को शॉपिंग करते हुए पहली बार देखा। ईद की शॉपिंग हम लोगों ने ऐसे की कि ईद का चांद इस साल हमने ही बन के चमकना है, और हम लोगों ने तहस नहस कर दिया एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के, एक दूसरे के ऊपर कूद कूद कर। हमने
ये दिखाया कि हम में कितना प्यार है, हम कितने एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात, जब हम साथ रहते थे तो हम जल्दी सो जाया करते थे, क्योंकि एक दूसरे को देख देख के हम कितना देख लेते। खैर, अगली एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े और हम लोगों ने शॉपिंग्स की और हम लोगों ने अपने आप को सजाया, पुजाया, कजाया और खूबसूरत ईद की जो कि अब फिर आ रही है, तब क्या हुआ वो हम अगली एपिसोड में आपको जरूर बताएंगे। अगर ये मैसेज अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और साथ एक घंटा होगा उसको जरूर बजाना, क्योंकि एक अजीम शायर ने बोला है कि तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा। तो हम अगली एपिसोड में मिलेंगे अगर आपने वो घंटा बजाया तो। मुझे बेयार मजरकार को अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। यार इस बार भी मुझे पैंट नहीं दी, मैं नहीं कर रहा ये शो।